समय की जीएस जीके की महत्वपूर्ण सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहाँ पे यह क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे इलानी विद दुर्गेश के फेसबुक पेज और यूट्यूब पर एज ए गेस्ट के रूप में मैं निःशुल्क आपके लिए देश हित में राष्ट्र हित में लेकर आता हूँ, ताकि अब की बार एक सीट हमार, क्योंकि आप लोग इसी तरह से अगर मेहनत करते रहेंगे तो जूनियर के लिए फर्स्ट पेपर और प्राइमरी के लिए समसामयिकी विविध और जीएस की सीरीज आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां पे सभी विषयों का समावेशन किया गया है। एक एक करके हमें प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आप सभी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका सिलेक्शन। तो भैया देरी किस बात की, शुरू हो जाइए आप सभी लोग। ठीक है, तो तैयार हैं आप लोग? चलिए तब भाई शुरू करते हैं हम सब, क्योंकि रेस के घोड़ी तो रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं ना। तैयार हैं? पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। जी हाँ, पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर है, कह रहा है कि संसार में यूरेनियम का अग्रहण उत्पादक कौन है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी लोग, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 49 का क्या हो, प्रश्न नंबर 1 का क्या होगा, क्योंकि जो लोग लाइव देख रहे हैं वो लोग कमेंट करके बताएं कि संसार में यूरेनियम का अग्रगण्य उत्पादक कौन सा है। तो आइए, इस प्रश्न का उत्तर है कजाकिस्तान। क्या है? कजाकिस्तान है। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार 2018 में, कब 2018 में कजाकिस्तान को पहला स्थान रखा गया, सबसे उत्पादक देश है। तो इसके संदर्भ में अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा दूसरा और ऑस्ट्रेलिया तीसरा है। ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है? कजाकिस्तान। किसके आधार पर? वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार? जी हाँ, इस तरह से आप लोग वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं, ताकि वीडियो पूरी तरह से आपको HD में दिखाई दे। किसमें? पूरी तरह से HD में दिखाई देना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं आपके लिए। अगला प्रश्न है, सदाबहार वर्षावन पाया जाता है, एकदम इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर पूरे ग्लोब पर बात करें इस प्रश्न को, तो जहां पे 0 डिग्री होगा, क्या होगा? 0 डिग्री। इससे लगभग 10 डिग्री ऊपर, 10 डिग्री नीचे, यहां पर सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। अब आपको ये बताना है ये कहां से ये रेखा गुजरता है, सभी लोग बताइए किस देश से। सभी साथी कमेंट करें, जैसे कनाडा की बात करें तो कनाडा यहां पे है, फ्रांस की बात करें तो यहां पर है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहां पर है, लेकिन अगर हम ब्राजील की बात करेंगे तो ब्राजील यहां पर है। ब्राजील कहां पर है? यहां पर है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ब्राजील। ब्राजील में अमेजन का बेसिन है। कहाँ? ये बहुत घने होते हैं, यहाँ पे प्रतिदिन 2 बजे से 4 बजे तक वर्षा होती है। यहाँ पर दुनिया का सबसे ज़्यादा जैव विविधता मिलता है। क्या मिलता है? दुनिया का सबसे ज़्यादा जैव विविधता यहाँ पर मिलता है। दूसरी बात याद रखिएगा, यहाँ पर ब्राजील, बोलिविया, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना और सूरीनाम जैसे क्षेत्रों में बेसिन अमेजन का बेसिन है, कांगो बेसिन है, दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी आदि आते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। अगला है 3, उच्चतम लवणता किस सागर में पाई जाती है। एकदम आसान सा प्रश्न है, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, उच्चतम लवणता किस में पाई जाती है। जैसे आप लोग वीडियो में जुड़िएगा, सबसे पहला काम वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब की बार एक से हमार, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा। पहली बात, अगर मित्र सागर की बात करें तो यहाँ पर लगभग 238% सॉल्ट है, लाल सागर में थोड़ा सा कम है, यहाँ पर है आपका 36 से 40%। महान सॉल्ट झील जो USA में है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर हम इसका जो 220 है, कितना है 220, ठीक है, कितनी है 220, लेकिन यहाँ पर झील वान, अगर यहाँ पे देखा जाए कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, तुर्की झील, जो झील वान तुर्की में है, यह है 330। क्या है? 330%। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा, अब आपको देना है। विश्व के सागरों झीलों के उच्चतम लवणता तुर्की की वान झील में पाई जाती है। जी हाँ, उच्चतम लवणता यहाँ पर झील और सागर दोनों दिया है। तो यहाँ पर ये प्रश्न में झील है, ये क्या है आपकी झील में ये है और सागर में ये है। अब आपको ये बताना है, प्रश्न में झील और सागर दोनों है,
ठीक है, जल्द कमेंट करके बताइए आप लोग, यहाँ पर होगा सागर और यहाँ पे हो गया झील। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। क्लियर हुआ? झील पूछेगा तब, क्योंकि आप केवल लवणता की बात कही है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा डी इसका सही जवाब होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, क्योंकि सिलेक्शन जब लेना होता है, जब परीक्षा हाल में बैठे होंगे, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके सामने आएंगे, फिर आप हम और आप प्रायः गलतियां कर जाते हैं, लेकिन हम ये प्रयास करेंगे अब की बार कोई गलती नहीं करना है। अब की बार नौकरी हमार कर हर हर मैदान फतेह। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने, चलिए थैंक यू आपका। मैकमोहन लाइन क्या है? जी हाँ, अगर हम मैकमोहन लाइन की बात करें तो क्या है, जल्दी कमेंट करके बताइएगा सभी साथी। देखिए यहाँ पर दिया है भारत और बांग्लादेश, यहाँ पर रेड क्लिफ है, रेड क्लिफ, यहाँ पर क्या है रेड क्लिफ, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि मैकमोहन कहाँ पे है। तो मैकमोहन भारत और चीन के बीच में, यह ब्रिटेन और तिब्बत के बीच 1914 में खींचा गया था, उस समय तिब्बत था, आज चीन ने उसे आधिपत्य कर लिया। तो इस समय देखा जाए तो जो मैकमोहन रेखा है वह कहाँ पे है, भारत और चीन के बीच। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कहाँ पर, शिमला समझौता 1914, शिमला समझौता। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक प्रश्न इन्होंने किया है कि जो बांग्लादेश है ये पूर्वी पाकिस्तान था, ये क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था, इसलिए रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के बीच है। कुछ लोग को ये प्रश्न नहीं पता था, किसी ने कमेंट किया सर बांग्लादेश के बीच भारत के बीच, क्योंकि जो बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान था, उस समय रेड क्लिफ से पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान दोनों अलग हुए थे, बाद में 1971 में ये पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। ठीक है, इस बात को जानते रहिएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है? अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें, जी हाँ, उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा कब होगा, छोटा दिन, ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न को हम अच्छे से आपको व्याख्या कर देते हैं। ठीक, चलिए आइए हम ध्यान से देखते हैं, इस प्रश्न को अच्छे से व्याख्या करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन, 22 दिसंबर को सबसे छोटी, सबसे छोटा दिन, ठीक 23 सितंबर है। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सबसे छोटा तो 22 दिसंबर, क्या होगा 22 दिसंबर को। ठीक है, इसे हम ऐनांत शीत ऐनांत कहते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी होती है? अगर विश्व में पूछता, विश्व में तो ब्राज़ील, अगर विश्व में पूछता तो ब्राज़ील। कहवा क्या है, कॉफ़ी या कहवा बीज होता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए सबसे ज़्यादा क्या है, जल्दी कमेंट करके बताइएगा जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। कर्नाटक इस प्रश्न का सही जवाब होगा, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कहवा उत्पादन होता है। ठीक, कोई दिक्कत, दूसरे पर केरल है, पहले पर कर्नाटक, दूसरे पर केरल, तीसरे पर तमिलनाडु है। आप प्रश्न को इतना तोड़ कर पढ़िए कि जब परीक्षा में प्रश्न आए एक भी प्रश्न आपका गलत ना होने पाए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन आप लोग वीडियो को और लोगों तक पहुँचा दीजिए, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न की सीरीज है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और हम इसकी तोड़कर व्याख्या करेंगे। तो अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करने के बाद शेयर करिएगा, पैसे नहीं कटेंगे, बहुत ही मजा आएगा क्लास में। देश में एग्रो इकोलॉजी क्षेत्र है, सोचिए ऐसे ऐसे प्रश्न हम आपके लिए लेकर आते हैं जो परीक्षा वाले हैं, कह रहा है एग्रो इकोलॉजिकल कितने क्षेत्र, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। एग्रो इकोलॉजिकल रीजन, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे के आधार पर भारत के 20, जी हाँ 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में और 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, इसका वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु, जलवायु के प्रकार, भौगोलिक स्थिति के आधार पर किया जाता है। ठीक है,
20 इसका सही जवाब होगा। क्या कहते हैं इसे? कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र, ठीक, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 8, 8 को ध्यान से आप लोग देखिएगा, एकदम कूट वाले प्रश्न, ये सब परीक्षा में आजकल ट्रेंडिंग है। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, सही बात है, क्योंकि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, ठीक। उच्च हिमालय उससे जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करता है। आपने देखा होगा हिमालय को हम पहरेदार कहते हैं कि भारत का पहरेदार है, अगर हिमालय ना होता तो भारत का उत्तरी जो क्षेत्र है वहां पे बर्फबारी पड़ती, साइबेरिया की हवाएं, ठंडी हवाएं उत्तर भारत को चपेट में ले लेती, लेकिन हिमालय पहरेदार का काम करता है, वह हमें ठंड से रोकता है। यह भूगोल का प्रश्न है, यहां पर ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प अगर आपको चुनना होगा, इस प्रश्न का सही जवाब है। जैसे हिमालय पर्वत भारतीय जलवायु को एक विशेषता देती है, यह मानसूनी हवाओं के भौतिक अवरोध उत्पन्न करता है जिसके कारण भारत में मानसूनी हवाओं का पूर्णतः प्रकाश संभव हो पाता है। मानसून की भरपूर वर्षा हो जाती है, मध्य एशिया से आने वाली शीत हवाएं रोककर भारत को पूरी तरह रक्षा भी करती है, ये दो विभिन्न जलवायु वाले भागों को अलग अलग करने का काम करती है। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा ए इसका राइट आंसर होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगला सवाल आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा, 6 दिसंबर 2019 को भारत में पहला पशु किसान कार्ड कहाँ पर वितरित किया गया? जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी साथी, ये 50 प्रश्न की सीरीज होगी, सोने से पहले GS GK का डोज रात 9:30 बजे प्रतिदिन ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क राष्ट्रहित में देश हित में। पशु किसान क्रेडिट कहाँ वितरित किया गया? जवाब दीजिए सभी लोग, यह हरियाणा में वितरित किया गया, ठीक है। इस पर 101 पशुपालक किसानों को पशु किसान क्रेडिट दिया गया हरियाणा सरकार ने मार्च 2021 तक 10 लाख किसान क्रेडिट देने का लक्ष्य रखा है, ठीक है, क्लियर। हम आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल कह रहा है, हाल ही में किस झील क्षेत्र सामूहिक रूप से प्रवासी पक्षियों की मौत हुई? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, सवाल का जवाब आप लोग को जरूर देना है, बताइए जल्दी कमेंट करके, क्या होगा? सामूहिक रूप से प्रवासी पक्षियों की मौत हुई, प्रश्न नंबर 10, आइए इसके बारे में जानते हैं। यहां पर सांभर झील इसका सही जवाब होगा। सांभर झील के बारे में जानते रहेगा, बरेली स्थित भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान ने रिपोर्ट जारी की, राजस्थान के सांभर झील, ये कहां पर है? ये राजस्थान में है। राजस्थान के सांभर झील के क्षेत्र में हजारों पक्षियों की मौत हुई। एवियन बॉटुलिज्म बीमारी कारण, बीमारी कौन सी थी कोई पता है? ये परीक्षा में पूछ सकता है, जी हाँ लिख लीजिएगा बीमारी, क्योंकि भैया सिलेक्शन लेना, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, टॉपिक कोई भी नहीं छोड़ना है। कौन सी बीमारी थी किसी को पता है? एवियन बाटुलिज्म, ठीक है। इसमें क्या होती थी? तंत्रिका तंत्र, जो तंत्रिका मांसपेशियां बीमारी है, और ये किस जीवाणु द्वारा प्रजनन के दौरान विष विटामिनस करण होती थी? याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, मैं पुलिकट झील आपको बता दूं, पुलिकट झील कहाँ पे है आप लोग मैप में देख लीजिएगा, देखिए ये हमारा दक्षिण भारत हो गया, यहाँ तक आपने देखा होगा ये हमारा तमिलनाडु है, क्या है? तमिलनाडु है। ऊपर आपने देखा होगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। इन दोनों की मुहाने पर एक झील है, कौन सी झील? एक झील जिसका नाम है पुलिकट झील, क्या नाम है? जिसका नाम है पुलिकट झील। यहीं पर श्रीहरिकोटा द्वीप है, यहाँ पे क्या है? श्रीहरिकोटा द्वीप है। चिल्का झील कहाँ पे है? कमेंट करके बताइएगा, चिल्का झील कहाँ पर है कमेंट करके जवाब दीजिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? मैंने आपको पहले वादा किया था यहाँ पर आपको सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, जी हाँ सभी प्रकार के यहाँ पे प्रश्न है।
इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, करंट, विविध, कंप्यूटर, विज्ञान, तीनों सभी पूरा निचोड़ आपके साथ है, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। जल्दी से कमेंट कर बताइएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। देखिए, चिल्का झील उड़ीसा में, सही जवाब। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, देखिए ये विस्थापन होगा, क्या होगा? विस्थापन होगा। भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं सदिश राशि कहते हैं, जिसमें विस्थापन है, त्वरण है, बल संवेग है, ठीक। बाकी क्या है? अदिश है। बाकी क्या है? अदिश है। क्लियर। अगला सवाल आपके सामने है, शायद दोनों सवाल आपको लाइव दिख रहे होंगे। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे प्रश्न नंबर 12 का जवाब आपका क्या होगा, बताइए। अवतल, कौन सा लेंस? अवतल, इसे अपसारी भी कहते हैं, अपसारी लेंस। इसे अंग्रेजी में कॉनकेव कहते हैं। कॉनकेव कहते हैं इसे, हम नतोदर भी कहते हैं। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा सबको? जी हाँ। प्रश्न नंबर 12 में क्या होगा? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? जितने लोग वीडियो को जुड़े हैं, लाइक करने के बाद अपने साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। मेरे लिए मत शेयर करिएगा, उन गरीब परिवार के लिए शेयर करिएगा, ताकि वे सभी ऐसे प्रश्नों को हल करें जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ताकि भविष्य में यहाँ से कोई गलती ना हो, किसी प्रकार की गलती ना होने पाए, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगर हम OSI मॉडल देखें, इसके आधार पर किसी भी नेटवर्क की संचार प्रणाली के आंतरिक क्रियाकलापों के परिभाषित करने के लिए 7 लेयर का प्रयोग किया जाता है। सबसे नीचे जो होता है फिजिकल लेयर होता है, इसमें डाटा लिंक शेयर लेयर, डाटा जो लिंक होता है लेयर, तथा उसके बाद नेटवर्क लेयर आता है। मतलब फिजिकल और नेटवर्क लेयर के मध्य डाटा लिंक लेयर आता है। क्या आता है? डाटा लिंक लेयर आता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए होगा। 13 क्या होगा? ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ, ठीक। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा, ठीक। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना? कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो जरूर बताइए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। 14 ध्यान से देखिएगा, आपके सिलेक्शन वाले प्रश्न है। कह रहा है कि दिसंबर 2019 में जर्मन उमाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा था? भारत का स्थान कौन सा था? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। देखिए यहाँ पर पांचवा था, मैं आपका समय नहीं लूंगा, जहां पर जरूरी वहीं पर समय लूंगा। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में यह सूचकांक गहन मौसमी घटना, तूफान, बाढ़, हीट वेव आदि को प्रभाव देश को रोकने के लिए होता है। जापान, फिलीपींस, जर्मनी, मेडागास्कर गहन मौसमी घटनाओं से प्रभावित होते हैं। इस सूचकांक में भारत पांचवा स्थान पर था। इसके पहले देखा जाए तो भारत चौदहवें पर था। इसके पहले चौदहवें में था, इसके पहले चौदहवें में था और अब पांचवें पर है। दोनों जानते रहिएगा। अगला है, कौन सुमेलित है? जल्दी से बताइएगा, यहाँ पर राज्य और उसकी राजधानी दी गई है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे किसी का प्रश्न 15वां गलत नहीं होगा। यहाँ पर राज्य और राजधानी दी गई है। ये 2020 का सूचकांक है, ये 2019 का सूचकांक 2020 में आए हैं, ठीक है। 2020 में बताइए जल्दी से, सभी लोग जवाब दीजिए। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? असम की राजधानी क्या होती है? दिसपुर। मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। एकदम आसान प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूँ जितने लोगों ने वीडियो को लाइव देखा सबके जवाब पूरी तरह से सही होंगे।
अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है, मतलब पूर्व से पश्चिम, ध्यान दीजिएगा, इधर से आपकी गाड़ी जानी चाहिए, पूर्व से पश्चिम की तरफ आपको बताना है। देखिए अगर पूर्व से बात करें, अगर हम यहाँ पे मैप में, माना है हमारा भारत है, ठीक है, क्या है हमारा भारत है, तो सबसे पूर्व में बात करते हैं, यहाँ पे आपका कंचनजंगा है, सबसे पूर्व में यहाँ पे कंचनजंगा है, क्या है, कंचनजंगा है, फिर यहाँ पे आपका माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा हो गया या आपका माउंट एवरेस्ट हो गया, उसके आगे यहाँ पर आएंगे तो अन्नपूर्णा है, क्या है आपका अन्नपूर्णा है, फिर उसके बाद आएंगे तो यहीं पर आपका धौलागिरी है, क्या है धौलागिरी। इस प्रकार हमने देखा इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा 16 का वो कंचनजंगा एवरेस्ट होगा, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी होगा, मान जितने लोगों ने इस प्रश्न का बी उत्तर दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है, बी वालों का उत्तर राइट आंसर है। देखिए जो कंचनजंगा है ये तिब्बत और चीन की सीमा पर है, ठीक है, भारत के अंदर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया, ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जी हाँ, डेली क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, ऑनलाइन क्लास या नोट के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, शिक्षक भर्ती, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केबीएस, डीएसएस भी, तो इसकी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। यह जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आपके लिए निःशुल्क लाइव चलती है प्रतिदिन रात 9:30 बजे। देखिए हरा सूचकांक क्या है, ध्यान दीजिएगा, यह है विश्व बैंक द्वारा, किसके द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, ठीक, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। यहाँ पे ग्रीन इंडेक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं व्यापार करने वाली कंपनी को कार्बन दक्षता के संदर्भ में उन्हें विश्व बैंक 2009 में एक पर्यावरण अनुकूलन स्टॉक मार्केट इंडेक्स विकसित किया, जिसे हम हरा सूचकांक कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम हरा सूचकांक कहते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये सारे यूनिक प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने 10 लाख ही नगर हैं, जी हाँ, इनकी संख्या कितनी है, एकदम यूनिक प्रश्न है, हो सके तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, ऐसे प्रश्नों की स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा ताकि आप अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पे इसको लगा सके, आपके साथी मित्र से देखें और वो जाने कि वास्तव में कितने यूनिक यूनिक प्रश्न आप पढ़ते हैं, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर होगा 53, क्या होगा, 53 इसका सही जवाब है। ऐसे प्रश्न यूनिक जो है वो आप इसे स्क्रीनशॉट मार के रखा करिए, ठीक है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, प्रतिदिन रात 9:30 बजे चलती है क्लास। अगला है आपके सामने, कह रहा है कि भारत स्वास्थ्य प्रणाली को पुनः संगठित करना किन संगठन एक क्रॉस सेक्टर की पहल है, तो जल्दी से बताइएगा सभी साथी जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, लॉ सेट सिटीजन कमीशन, भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को पुनः संगठित करना लॉ सेट सिटीजन कमीशन 11 दिसंबर 2020 कब 11 दिसंबर 2020 को शुरू की गई एक क्रॉस सेक्टर पहल है। इसका उद्देश्य 10 वर्षों के भीतर भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना है। यह पहल दुनिया की प्रमुख स्वास्थ्य पत्रिका द लक्ष्मी मित्तल एवं फैमिली साउथ एशिया इंस्टीट्यूट लैंडस्टेट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सहयोग से प्रारंभ की गई है। अगला है, निम्नलिखित में से तीनों सेनाओं, वायु सेना, सेना और नौसेना के सेवा में देने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। देखिए यहां पे होगा कर्नल पृथ्वीपाल सिंह गिल, यह तीनों सेनाओं में, वायुसेना, थल सेना, नौसेना में पहली बार वर्ष 1942 में रॉयल इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुए, फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रॉयल इंडियन नेवी के साथ सेवा की, फिर उन्होंने भारतीय सेना में वर्ष 1965 युद्ध में पाकिस्तान के साथ लड़े। इन्होंने अपनी पढ़ाई गवर्नमेंट कॉलेज में, पटियाला में इनकी जन्म हुआ था। ये उत्तर है आपका 3। प्रश्न नंबर 21,
पेरिस जलवायु समझौते के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए, पेरिस जलवायु के संबंध में अगर हम बात करें तो पेरिस जलवायु सम्मेलन, पेरिस पार्टी सम्मेलन 21 द्वारा अपनाया गया है, माने यह दूसरा इसका सही जवाब होगा। कैसे? पेरिस जलवायु समझौता जलवायु परिवर्तन पर कानून रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे पेरिस में 21 दिसंबर 2015 में पार्टियों के सम्मेलन द्वारा अपनाया गया। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पेरिस समझौते के 5 साल पूरे होने के मौके पर एक वैश्विक जलवायु सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत न केवल पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने के ट्रैक पर है। ठीक है, अगला आपके सामने है प्रश्न, निम्न में से किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था? अब वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपकी संख्या लगातार बढ़नी चाहिए। अगर आपको पढ़ाने में कोई कमी है तो कमेंट करके बताइएगा, अगर कोई कमी नहीं है तो इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप सभी रेस के घोड़े हैं। तो जल्दी से कमेंट करिएगा सभी साथी, बताइए जल्दी से कमेंट करके क्या होगा। देखिए, अगर यहाँ पर देखा जाए प्रश्न नंबर 22 को, तो आइए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं क्या होगा। ये होगा विद्याधर। क्या होगा? विद्याधर। महमूद गजनवी चंदेलों पर प्रत्यक्ष आक्रमण कब किया था? 1919-20 में किया था। चंदेल वंश का शासक उसमें विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। लेकिन मुस्लिम स्रोत से पता चला कि विद्याधर एवं महमूद के बीच किसी नदी किनारे भीषण युद्ध हुआ, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया। महमूद गजनवी भी लौट गया। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं उतने लोगों ने अभी तक वीडियो को ने लाइक नहीं किया है, यार पैसे नहीं करते, ठीक है, बस एक मोटिवेशन मिलता है यार, हाँ मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, मैं हर काम छोड़कर आपकी क्लास लाइव आता हूँ, बस इतना सपोर्ट करते हैं, कोई बात नहीं। अब मुगल काल के युद्धों का कालोक्रम, घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? घाघरा का युद्ध 1529 में किसके बीच? बाबर और महमूद लोदी के बीच। इसमें बाबर विजयी हुआ था, यह बाबर का अंतिम युद्ध भी था। खानवा का युद्ध 1527 बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, और फिर यहाँ बाबर की जीत हुई। चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह एवं हुमायूं के मध्य हुआ, जिसमें शेरशाह विजयी हुआ। शामुगढ़ का युद्ध ये 1658 में औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना तो दारा सिखों की सेना की मध्य हुआ, इसमें दारा सिखों पराजित हुआ। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा अब आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। अब हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं बताएंगे, हमने पूरा व्याख्या किया लेकिन उत्तर तक पहुंचने की जिम्मेदारी आपकी है। तो सब लोग ए बता रहे हैं, हम भी ए मान लेते हैं, पढ़ाने में कोई कमी तो नहीं है ना। जो लोग वीडियो लाइव देख रहे हैं जरा कमेंट करें, सरकारी शिक्षक बनने की जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे जूनियर के लिए चाहे प्राइमरी के लिए, सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के बीच युद्ध किया था? देखिए, अगर देखा जाए कि जहांगीर के बीच किसने युद्ध किया था, जहांगीर के विरुद्ध, खुर्रम, महावत खां, खुसरो। देखिए, जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो ने जहांगीर के गद्दे बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह किया, जो कि 1606 में पराजित हुआ। ठीक है, 1606 में पराजित हुआ, ठीक है, कौन? खुसरो। कब पराजित हुआ? 1606 में पराजित हुआ। 1623 में खुर्रम ने विद्रोह किया, 1623 में खुर्रम ने विद्रोह किया। शहजादे खुर्रम के विरोध का महाबत खान ने की नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन किया। फिर महाबत खान 1626 में महाबत खान ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर होगा 2, 3 और 4, मतलब इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। क्लियर हुआ?
किसी को डाउट, कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकता है, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न आपको दिख रहा होगा, कह रहा है किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया था। जल्दी से कमेंट करिएगा, सभी प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जी रजनी कोठारी, कौन? रजनी कोठारी, ठीक। खुर्रम को नाम नहीं पता आप लोग को, उसे उपाधि मिला था भैया खुर्रम, उसके बेटे थे जहांगीर के। देखिए रजनी कोठारी स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में भारत की दलीय व्यवस्था के एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था वन पार्टी डोमिनेंस के रूप में वर्णित किया। रजनी कोठारी एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और राजनीतिक सिद्धांतकार थी, ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन है? जल्दी से कमेंट करिएगा, सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय नहीं होगा, न्याय मंत्री नहीं है। देखिए करों का बंटवारा कौन करता है, बताइए सभी लोग, करों का बंटवारा, वित्त का बंटवारा कौन करता है? देखिए आपका होगा वित्त आयोग। केंद्र और राज्य के वित्तीय संसाधनों के बंटवारे हेतु वित्त आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 27, विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित हुए मंत्री कितने समय तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर रह सकते हैं, बताइए जल्दी से कमेंट करके। मतलब बताइए कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे इसका देखा जाए अनुच्छेद 164 में है, अनुच्छेद 164 शायद चार है, क्या शायद चार या तीन है, ध्यान से अभी मुझे कंफर्म याद नहीं है। मैंने राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य के विधानमंडल का सदस्य बने अधिकतम 6 माह तक मंत्री रह सकता है। 6 माह के अंदर उसे सदस्य नहीं बन पाता तो उसे अपने पद से त्याग पत्र देना होगा, माने 6 माह के अंदर उसे अपनी सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। संसद ने सूचना अधिकार अधिनियम, जी राइट आर टी राइट टू, जी हाँ सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार क्या होगा यहाँ पे, सूचना का अधिकार। देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा लोकसभा में 11 मई को लोकसभा में, देखिए अगर हम आप लोकसभा की बात करें 11 मई 2005, अगर हम राज्यसभा की बात करें 12 मई, राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली, राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली, 15 जून, कब मिली, 15 जून 2005 को। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम यह 120 दिन के पश्चात प्रभावी कब हुआ, 12 अक्टूबर को प्रभावी कब हुआ, 12 अक्टूबर 2005 को प्रभावी हो गया। यह विधिक अधिकार, यह कैसा अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। यह सार्वजनिक स्थानों के आवश्यक सूचना मांगने मिलने पर अपील करेगा। उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को किसमें रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे RTI को अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत रखा है, ठीक। मैंने भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत मूल अधिकार में से शामिल किया गया है, ठीक है। वीडियो को चाहे तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए, हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर करें, यार आपकी संख्या इतनी कम है
चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, भारत सरकार को कौन कानूनी विषयों पर परामर्श देता है? देखिए अगर हम यहाँ बात करें अनुच्छेद 76 तो अटॉर्नी जनरल, इसे हम एक नाम से और जानते हैं महान्यायवादी, महान्यायवादी, ये भारत सरकार के कानूनी विषयों में परामर्श देता है। ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी है जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को भी धारण करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये क्या करता है, अपने पद को भी धारण करता है। मैंने यहाँ पर दिए गए प्रश्न का अगर सही उत्तर की बात करें तो आपके सामने है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्लियर हुआ ना? कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना? यहाँ पे मिलाना है आपको राष्ट्रपति के क्रम को, जल्दी से मिलाइए। जो लोग लाइव देख रहे हैं जल्दी से इस क्रम को मिलाएं, मिलाई जल्दी दी। देखिए फखरुद्दीन अली अहमद ये 74 से 77 तक थे। फखरुद्दीन अली अहमद देश में अगर हम आपातकाल की बात करें तो जो लगा था 25 जून 1975 पूरे भारत में, वो कब, कौन उस समय कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद थे। फिर संजीव रेड्डी की बात करते हैं, नीलम संजीव रेड्डी ये पुरुष थे, ये 77 से 82 यह पहली बार चुनाव तो हार जाते हैं लेकिन दोबारा ये निर्विरोध चुने जाते हैं। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। वीवी गिरी इनके बाद वीवी गिरी ही बने थे जो द्वितीय चक्र की मतगणना से हुए थे, ठीक है, द्वितीय चक्र की मतगणना से, ठीक है, ठीक, द्वितीय चक्र की मतगणना से ही जीते थे, ठीक। चलिए ये आप लोग को याद रखिए कि क्रम मुझे याद है क्योंकि कार्यकाल दौरान ये मृत्यु हुई थी इनकी, जब ये मर चुके थे तो इनको कार्यभाग राष्ट्रपति बनाया गया, इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया तो एम हिदायतुल्ला को फिर बनाया जाता है, ठीक है। हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा किसे मिला है। किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिला है जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी साथी, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, ये नहीं, ये भाग चार में है, ये भाग चार में, ठीक है, नीति निषेध सिद्धांत में, इसलिए इसका उत्तर होगा 2 और 3। आइए इसके बाद देखते हैं, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार में आता है। कौन सा? आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। किसमें कहा गया? चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश में। इसमें वो घर में शामिल है जहाँ गरिमापूर्ण जीवन जी सके। फिर मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में 1978 में ये कहा गया कि विदेश यात्रा का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है, जबकि रणधीर सिंह बनाम भारत सरकार में कहा गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, यह संवैधानिक लक्ष्य है। ये क्या है? ये मूल अधिकार नहीं है, ये संवैधानिक लक्ष्य है, संवैधानिक लक्ष्य है, ठीक है। ये भी 21 है, ये भी क्या, अनुच्छेद 21, ये मेनका गांधी बनाम था और ऊपर वाला चमेली सिंह, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना? इससे डीप में यार कोई अगर पढ़ा देगा ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर इतना गूढ़ ज्ञान आपको नहीं है तो सिलेक्शन से दूर रहेंगे, ठीक है। बाकी ऑनलाइन क्लास चाहे तो ई लर्निंग दुर्गेश पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस कंपनी ने भारत में पहली स्वदेशी
mRNA वैक्सीन विकसित की? तो बताइए जल्दी से कमेंट करके, किसने विकसित की? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, चाहे आप लोग इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं। बताइए जल्दी से, देखिए जिनेवा, पुणे में जिनेवा भारत की पहली स्वदेशी mRNA वैक्सीन विकसित की है, जिसका नाम अगर देखा जाए HG COVID-19 इसका नाम, ठीक है। और ये वैक्सीन भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल द्वारा नैदानिक परीक्षण के चरण 1 और 2 को शुरू करने के लिए अनुमोदित किया भी गया है। अगला प्रश्न आपके सामने 33, किस राज्य ने विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार उपकरण निःशुल्क प्रदान करने के उद्देश्य से महाशरद पंच की शुरुआत की है? तो बताइए सभी लोग, जवाब दीजिए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, चाहे इसे फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जल्दी जवाब जवाब दीजिएगा सभी लोग। देखिए महाराष्ट्र सरकार होगा इसका, क्या होगा? महाराष्ट्र सरकार, क्या होगा? महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न उपकरण निःशुल्क प्रदान करने के उद्देश्य से महाशरद मंच की शुरुआत की। महाशरद शब्द का अर्थ होता है स्वास्थ्य पुनर्वास और दिव्यांगजन सहायता के लिए महाराष्ट्र प्रणाली है, ठीक। अगला है, नई लोकसभा कक्ष के अभ्यंतर का प्रस्तावित विषय क्या है? नई लोकसभा कक्ष के अभ्यंतर का प्रस्तावित विषय क्या है? जवाब से दीजिएगा सभी लोग, चाहे से फेसबुक पे, ये करने सवाल है। देखिए यह होगा मोर, क्या होगा? मोर होगा। इसके बारे में जान लेते हैं, नई लोकसभा कक्ष के अंदर राष्ट्र पक्षी मोर है, जबकि राज्यसभा कक्ष में राष्ट्रीय पुष्प कमल का उपयोग है। देखिए अगर यहाँ पे राज्यसभा की बात करेगा तो यहाँ पर राज्यसभा, राज्यसभा में कमल और लोकसभा में मोर, इंपॉर्टेंट है, रख लीजिए। यह अन्य जगह आपको नहीं मिलेगा, ये लेनी भी दुर्गेश की सीरीज मिल रहा है, आप इसे अच्छे से पढ़िए और समझिए, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आगे हम लोगों ने देखा कि इसके विषय में केंद्रीय लाउंज विषय बरगद का पेड़ होगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद का गठन किया, बरगद का पेड़ कहाँ होगा? ठीक है, केंद्रीय लाउंज का विषय, यहाँ पर केंद्रीय लाउंज का विषय जो होगा वो बरगद का पेड़ होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 35, आप वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग ध्यान से एकदम पढ़िएगा, चाहे से फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे से यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं जवाब सभी लोग को देना है और सवाल भी सभी को हल करना है। ऑनलाइन क्लास या नोट्स के लिए आप लोग 6306344367 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। निःशुल्क क्लास टेलीग्राम पर उपलब्ध है, मेरी क्लास सभी निःशुल्क होगी, राष्ट्रहित में, देशहित में, एज ए गेस्ट के रूप में, ठीक है। जौनपुर जनपद से चल रही है। संविधान को संज्ञानात्मक तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये किसका कथन है? देखिए यह है डॉक्टर अम्बेडकर का कथन है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने माना कि संविधान को संघात्मक ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह एकीकृत और संघात्मक दोनों है। कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? ये जो केंद्र राज्य का संबंध है ये अनुसूची 7 में है, इसमें अनुसूची 7 में, जहां पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में जो भी विषय आते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है, राज्य संघ का और केंद्र, लेकिन जब कभी टकराव स्थिति होता है तो संघ द्वारा केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को वरीयता दी जाती है। तो जरा कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का क्या होगा, यहाँ पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे, सभी साथी, चाहे आप इसे जहां भी देख रहे हैं। देखिए आपराधिक कानून समवर्ती सूची का विषय है, पुलिस की बात करें तो यह राज्य सूची का विषय है, इसका है यह राज्य सूची का विषय है। टेलीविजन, ये टेलीविजन और रेडियो कौन चलाता है? संघ सूची का विषय है। विदेशी मामले, संघ सूची का विषय है, लेकिन आपराधिक कानून जो होता है ये समवर्ती सूची का विषय है। तो याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल परीक्षा में आएंगे तो गलती नहीं होना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। ठीक, ये डेली क्लास आपके रात 9:30 बजे से होती है प्रतिदिन, और हाँ सुबह 6:30 बजे डेली करंट की सीरीज चलती है, टॉप 20 नैनो मैगजीन। अगर ऐसे प्रश्न आपको डीप वाले पढ़ने हैं सुबह 6:30 बजे आप लोग लाइव आ जाए करिए, सुबह 6:30 बजे, 10-12 मिनट की होती है, 20 क्वेश्चन होते हैं नैनो मैगजीन की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 37 का जवाब दीजिएगा, कौन सा कथन आपका गलत है, जल्दी जल्दी कमेंट कर बताइएगा। देखिए, भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत गायन से हैं, अल्लाह रखा खां तबला, देवू चौधरी सितार, शुभलक्षी मी बांसुरी से, बताइए सही है ये? ये गायिका है, ये क्या है, गायिका है, इन्हें भारत रत्न भी मिला था, इन्हें क्या मिला था, भारत रत्न, कौन सा, 1998 का इन्हें भारत रत्न भी मिला है। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तब डी होगा, माने जो गलत है वही आपका सही होगा। देखिए, आप पूछा कौन सा युग्म गलत है। अगला है, कौन अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, बताइए किसने अपनी राजधानी को, बताइए जल्दी कमेंट करके। देखिए, मीर कासिम, क्या होगा, मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजी हस्तक्षेप अधिक ना हो सके। ठीक है, सब लोग यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, जितने लोगों ने लाइक किया भगवान उनकी बुद्धि विवेक ऐसे बनाए रहे और वह यही काम जिंदगी भर करते रहें। ठीक है, क्योंकि उसी के योग्य होते हैं, ऐसे लोग अगर सरकारी शिक्षक बन जाएंगे तो भविष्य बच्चों का भी बर्बाद कर देंगे, इसलिए अच्छे लोग अच्छी जगह जाएं ताकि हमारा देश तरक्की करे और हर माँ बाप का सपना पूरा हो, इसलिए अच्छे लोग अच्छी जगह जरूर जाएं, ऐसा नानक जी ने भी कहा था। '17-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह किसने हिस्सा लिया था, किसने हिस्सा लिया था, कमेंट करके बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट कर बताइए, सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं। देखिए, 1917-18 में अहमदाबाद अगर उसकी बात करें तो कौन था, देखिए चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग 1918 में अहमदाबाद के काटन टेक्सटाइल मिल के मालिक और मजदूरों के बीच हुआ, इसके बीच हुआ मालिक और मजदूरों के बीच हुआ, कृषक वर्ग जो था वो चंपारण में था, कृषक वर्ग जो था यहाँ पे कृषक वर्ग था। ठीक, फिर आगे देखते हैं, मजदूर की मजदूरी बढ़ाने के लेकर विवाद हस्तक्षेप करना था, प्लेग बोनस को लेकर था, किसको, प्लेग बोनस को, प्लेग का प्रयोग खत्म होने के बाद मिल मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे लेकिन मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे, उत्पादन लागत मुनाफा और मजदूरों की जीवन निर्वाह का खर्च गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस जो है मिलना चाहिए, कितना परसेंट, 35% बोनस मिलना चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गांधी जी के अनशन के बाद गठित ट्रिब्यूनल ने इसकी बात मान ली थी। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह आपका डी होगा, कोई दिक्कत किसी को, अगला है, चलिए आंसर सही हो गया तो बहुत अच्छा लगा, आप ऐसे ही जवाब देते रहिए, परीक्षा हाल में किसी को उत्तर गलत ना हो, यहाँ गलत हो जाए चलेगा लेकिन परीक्षा हाल में गलत ना हो, आपको एक आइडिया, रफली आइडिया हो जा रहा है इस क्लास को पढ़ने के बाद कि कैसे आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। देखिए, 1924 का बंगाल तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था, बताइए, यहां पर बंगाल के तारकेश्वर शिव मंदिर में भ्रष्ट महंत के विरुद्ध, किसके, भ्रष्ट महंत के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन चला था। अगला, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद
बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ? एकदम बड़ा प्रश्न है, मैं चाहूंगा आप लोग इस प्रश्न का उत्तर पूरी व्याख्या के साथ दें सभी लोग। देखिए यहां पर मैं लंबा शायद कहें तो समझा देंगे। 1857 विद्रोह की ठीक बात, बंगाल में नील विद्रोह हुआ, कब हुआ? 1859 से 60 में। फिर सन्यासी विद्रोह कब हुआ? 73 से 1800 तक ना, 63 होगा ना, 1763। अगर हम संथाल विद्रोह की बात करें 55-56 में था, 1855 से 56। अगर पावना उपद्रव की बात करें तो 37 में था, 73 में था ना, 1873 से 76। हमने देखा कि नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुई। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए। उन्होंने नील खेती बंद कर दी। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल खेती कराना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिक के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। फिर किसानों ने 1859 में अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। फिर 1860 तक नील आंदोलन नदियां, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा आदि क्षेत्रों में फैला। किसान एकजुट रहे। फिर 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल की बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इससे हिंदू पैट्रियार्क के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। ठीक, ठीक है, चलिए अगला है। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? एकदम यूनिक प्रश्न है। जो प्रश्न की सीरीज आती है ना पूरी यूनिक होती है। ऐसा नहीं है कि प्रश्न हम आपके लिए उठाए और लेकर चले आए। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके भर्ती परीक्षा के स्टैंडर्ड लेवल के हैं और सिलेक्शन का आप लोगों को पैमाना पता ही है ना। अब की बार एक सीट हमार, बताइए जल्दी कमेंट करके, भारत में किप्स मिशन किस वर्ष आया, जवाब दीजिएगा। देखिए 1942 सही आप लोगों ने बताया, मार्च 1942 में आया था। ठीक है, कौन किसके स्टेफोर्ड किप्स के नेतृत्व में मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए 1942 में आया था? ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिप्स। अगला है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? किस नेताओं के विरोध में था, बताइए जल्दी से कमेंट करके। अच्छा यहाँ पे कैबिनेट मिशन है भैया, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, बताइए। प्रश्न नंबर 43 का जवाब सभी लोग को देना है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके दीजिएगा, जितने लोग इस वीडियो को लाइक देख रहे हैं सभी साथी, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे, जहाँ भी आप देख रहे हैं जवाब जरूर दीजिए। देखिए यहाँ पर होगा साम्यवादी आंदोलन, क्या होगा? साम्यवादी आंदोलन होगा, बहुत लंबा है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा सभी लोग, पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे। देखिए आप सभी ऑनलाइन क्लास या नोट के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, ई लर्निंग पे दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। क्लास नोट्स, वीडियो लेक्चर, टेट, पेट, सी टेट, UPSI, शिक्षक भर्ती परीक्षा, लिखित परीक्षा, जूनियर प्राइमरी के, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, ये क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आपके लिए मेरे द्वारा निःशुल्क एज ए गेस्ट के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि आप अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकें, अपना बेस्ट दे सकें। क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप सभी रेस के घोड़े हैं। देखिए यहाँ पर
शुक्र होता है, लेकिन शुक्र ग्रह नहीं है यहाँ पे। ठीक, जब शुक्र नहीं है तब इसमें क्या होगा, मंगल होगा। यहाँ पर होता क्या, शुक्र, लेकिन शुक्र न होने के कारण शुक्र है, फिर बीच में पृथ्वी है, फिर मंगल है, इसलिए यहाँ पर उत्तर तो ये होता, लेकिन ये विकल्प नहीं है, इसलिए इसका उत्तर ये होगा। ठीक, किसी कोई दिक्कत है, किसी कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं सभी साथी, क्योंकि सिलेक्शन लेना है। अब की बार एक सीट हमार, ये 9:30 बजे प्रतिदिन रात को लाइव चलती है ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। अगर सरकारी शिक्षक बनना है तो भैया आपको अपना बेहतर देना होगा, तो जल्दी से कमेंट करिए और जवाब दीजिए इन प्रश्नों का, चाहे जहां आप देख रहे हैं इसे, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, किस संगठन ने एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस की फैसिलिटी शुरू की, जल्दी जवाब दीजिएगा सभी लोग। देखिए ये होगा एशियाई विकास बैंक, क्या होगा, एशियाई विकास बैंक होगा। इसके बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं, देखिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। एशियाई विकास बैंक ने विकासशील देशों को वैक्सीन खरीदने और वितरित करने के लिए समान समर्थन प्रदान करने के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी लॉन्च की। 46 तरफ बढ़ते हैं, किस संगठन ने हाल ही में जलवायु घटनाओं के लिए भारत की तैयारी पर अध्ययन प्रकाशित किया था, जल्दी से कमेंट करिएगा प्रश्न नंबर 46 का, बताइए। देखिए यहाँ पर होगा ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद में, किसने, ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग, क्योंकि करंट के सवाल हैं। हाँ, ऊर्जा पर्यावरण जल परिषद ने जलवायु घटनाओं के लिए भारत की तैयारी पर अध्ययन प्रकाशित किया। संगठन ने पहली बार भारत में चरम मौसम घटना वाले हॉटस्पॉट की मैपिंग की। ठीक है, अगला है 47-48, यहाँ पर कह रहा है युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है, जल्दी से कमेंट कर बताइए किसे सम्मानित किया गया है। डॉक्टर कैरोलिना अरुजो, कैरोलिना अरुजो को। यहां पर युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार 2020 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो स्थित इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड एम्प्लाइड मैथमेटिक्स में डॉक्टर कैरोलिना अरुजो को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार बीजगणितीय ज्यामिति में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार हर साल किसी विकासशील देश के एक शोधकर्ता को दिया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2020 का विषय क्या है, बताइए। यह है हेल्थ फॉर ऑल, प्रोटेक्ट एवरीवन। चौथा इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक, चलिए अगर 48 की बात करें हम तो यहाँ पर इसे 12 दिसंबर 2012 को मनाया गया था। दिन का उद्देश्य मजबूत और लचीला स्वास्थ्य प्रणालियों में आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ानी है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, चौथा इसका राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ते हैं, अब आपके सामने यहाँ पर दो प्रश्न हैं जो क्रमशः 49 और 50 के नाम से क्रमशः हैं, तो भैया जल्दी से बिना देरी किए आपको जवाब देना है, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। जी हाँ, ये आज के दो आखिरी प्रश्न हैं। आप लोग के मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो क्लास खत्म होने वाला है, पूछ सकते हैं, क्योंकि ये क्लास आपके लिए निःशुल्क देशहित में राष्ट्रहित में मेरे द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इसकी PDF आपको निःशुल्क टेलीग्राम पर मिलेगी। क्या आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर चुके हैं, जितने लोग देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी, फेसबुक पे देख रहे हैं वहाँ भी और यूट्यूब पे देख रहे हैं तब भी, नहीं लिंक है तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, दुर्गेश सर सर्च करके जुड़ जाइएगा। कौन सी जनजाति आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, प्रश्न नंबर 49, बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट कर बताइए। देखिए चेचू जनजाति ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, उसमें भी नन्ना मलाई क्षेत्र में, किस में, ध्यान दीजिएगा नन्ना, कौन से क्षेत्र में, नल्ला मलाई के क्षेत्रों में पाई जाती है। लेपचा सिक्किम में, डफला अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश
कहीं कहीं थोड़ा बहुत असम में भी मिल जाता है। डाफर क्या है? ये गुजरात, याद कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाते हैं। ठीक है, जवाहर सुरंग कहां से गुजरती है? देखिए, जवाहर सुरंग की अगर हम बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल से, पीर पंजाल से बनिहाल दर्रे तक गुजरती है। पीर पंजाल से श्रेणी से लेकर बनिहाल दर्रे तक गुजरती है। ठीक है, इस प्रकार आपकी ये प्रश्न की सीरीज शुरू हो गई। ये प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है, निःशुल्क, देश हित में, राष्ट्र हित में। उसके अलावा सुबह 6:30 पर आपके लिए करंट अफेयर की डेली क्लास आती है, नैनो मैगजीन। जी हाँ, टॉप 20 सीरीज होती है जहाँ पे करंट अफेयर आपके UPSI, उत्तर प्रदेश पुलिस, लेखपाल, पेट एग्जाम और शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा जूनियर प्राइमरी, इनके लिए स्पेशल चलती है, ताकि अब की बार एक सीट हमार, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप हो सके तो वीडियो को लाइक करने के बाद वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा, क्योंकि प्रश्न थोड़े से कड़े थे आज। कितना आपका 50 में सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए सिलेबस आपको बता दिया जाएगा, जूनियर शिक्षक भर्ती का, SST का, उसकी किताबें भी बता दी जाएगी। और कोई सवाल आपका? चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। ठीक, चलिए, ऐसे सवाल पूछिए जिसका संबंध आपके इस सब्जेक्ट के प्रश्नों से हो। उसके इतर प्रश्न पूछने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछेगा। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे शेयर करिएगा। पैसे नहीं लगते हैं, ये निःशुल्क क्लास लोगों को पहुँचाइए ताकि लोग सिलेक्शन के नज़दीक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।